देखिए उस बात को लेकर पहले मैंने सोचा कि रूटीन में चलता, मैंने 10 बार बोल दिया अपने जो कर्मचारी हैं वहां के जो लोग इसको देखते थे। लेकिन आज जब हम जब मैं आ रहा था विधानसभा उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था और ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तमाशा बन गया। सरकार का समझ में नहीं आ रहा है, विपक्ष के नेता के घर की खिड़कियों से दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहां हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आया उनका भी ड्रोन से सर्वे कर, ड्रोन से ये कर रहे हैं। यहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दिहाड़े जो है लोगों को पीट पीट करके मार दिया जा रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं है। शिमला के माल रोड पर हत्या हो जाती है उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग हैं उनके फोन सर्विलेंस पर और उनके फोन सर्विलेंस के साथ साथ में उनके घर के चारों तरफ से हुए जाकर के वहां पर ड्रोन से इस तरह से करना, ये निजता का भी हनन है और मैं समझता हूं ये बहुत ओछी हरकत की है और जिसको मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे थे, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।